अब यहाँ देखो, बेंजीन रिंग के बारे में बताया गया है, तो बेंजीन रिंग काफ़ी सारे एमसीक्यूज लेकर आएगी एमसीक्यूज के अंदर, एमकैट के अंदर, और एमकैट और ईकैट दोनों के अंदर इसके मतलब बहुत चर्चे हैं। तो अब देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग क्या होती है। देखो बेंजीन रिंग बेसिकली ये मैंने आपको बनाई है ना, ये चीज़ ये होती है बेंजीन रिंग। तो अब यहाँ काउंटिंग आप अपनी मर्जी से कर लो, 1 2 3 4 5 6 ना। तो अब यहाँ बेसिकली पोजीशंस होती हैं, पोजीशंस। तो अच्छा, यहाँ होती है पैरा ऑर्थो मेटा, यही जो है ना, ये आपको मतलब काफ़ी दफ़ा सिमिलर नाम मिलेंगे एमसीक्यूज के अंदर। देखो पैरा पोजीशन ये होती है, यहाँ पर 1 से 4 लिखा है ना, 1 से 4 1 से 4, ये ठीक है। यहाँ होती है पैरा, यहाँ भी होती है पैरा। ऑर्थो ऑर्थो 2 से 6 2 से 6, ये हो गई आपका ऑर्थो। मेटा मेटा यानी कि 3 से 5, तो 3 से 5 जो होगी, 3 से 5 यहाँ से इधर से उधर मेटा हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको याद किस तरह करें, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, तो ये छोटी सी जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, POM, पॉम, ठीक है। ये एक वर्ड है पॉम, तो पॉम आप याद रख लो, सिंपल P पहले आता है, O फिर उसके बाद, फिर M नीचे तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब बेसिकली MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं कुछ इस तरीके से, कि अपोजिट पोजीशन बताएं वो कौन सी होती है। तो अपोजिट पोजीशन बेसिकली पैरा को कहते हैं ना, पैरा ये देखें इसके अपोजिट पोजीशन में आ रहा है, ये भी पैरा, तो ये अपोजिट पोजीशन कहलाती है। कंजिक्यूटिव पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो होती है, ऑर्थो ये देखें, ये भी कंजिक्यूटिव पोजीशन कहते हैं सुपर वाली को। और अल्टरनेटिव पोजीशन किसको कहते हैं, मेटा, यानी कि मेटा आमने सामने, ठीक है, ये इस चीज़ को कहते हैं नीचे वाली मेटा को, ठीक है। तो ये चीज़ तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करो, क्योंकि ये MCQs के बड़े फेवरेट पॉइंट है ना। इसको भी याद करने के लिए आपको ये दे दिया गया है OCA, ये एक छोटी छोटी जो शुरू के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, शुरू के अल्फ़ाबेट से आप जो है वो याद कर सकते हैं, OCA OCA। तो आपको मतलब शुरू के अल्फ़ाबेट से उस MCAT के अंदर पूरे पूरे नाम याद हो जाएंगे। तो मैंने भी ऐसे याद किया था, और यकीनन जो बड़े बड़े मतलब होते हैं ना भाई, बड़े बड़े जिनका नाम होते हैं, वो भी ये टेक्निक अप्लाई करते हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ और छोटी सी चीज़, वो है फ्रेजरिट वॉलर, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसान का नाम है, ये साइंटिस्ट है, ठीक है ना, ये कोई मतलब ये इतना बड़ा नाम तो है, लेकिन ये किसी इंसान का नाम है। तो बेसिकली इन्होंने पहले चीज़ क्या की थी, यूरिया को इन्वेंट किया था, ठीक है। यूरिया आपको जैसे कि पता है, यूरिया आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, तमाम एनिमल्स के अंदर भी ये मौजूद होता है, ठीक है ना। मतलब यूरिया को सबसे पहला जो शख्स था ना इन्वेंट करने वाला, वो था ये साइंटिस्ट था। इसके बारे में एक और चीज़ है यहाँ पर गिवन, ये आपको याद रखनी है इम्पॉर्टेंट, कि दिस साइंटिस्ट वो रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो वाइटल फोर्स थ्योरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी थी जिसको इसने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी थी सबसे पहले ना दुनिया में, कि भाई यही जो है वो मास है, बस यही चल रहा होता है, ये वो अनशन चल रही होती है, सारी चीज़ें ना। तो उसको वाइटल फोर्स थ्योरी एक थी थ्योरी ना। अच्छा, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को ही मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वो आप जाके देखें प्लेलिस्ट में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को ये साहब आए और उन्होंने लात मारी इसको, कि भाई हट, और इन्होंने यूरिया इन्वेंट कर दिया, और इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो MCQs में पूछा जाएगा उस साइंटिस्ट का नाम जिसने, आप बताएं कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया। तो सिंपल आप बताएंगे, इन साहब ने, और किसने सबसे पहले इन्वेंट किया, तो इन साहब ने, ठीक है।